मौजूद हैं, नज़ीर अहमद काजी साहब जो तोमर रसूल के पूरे चैपल का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जो टेक्सला मौजूद है। जी सर, पूरा है, बल्कि सेक्टर आप कह सकते हैं, चैपल के बिल्कुल बैक साइड पे इनके जो है वो किचन सेट बने हुए हैं, साइडों पे जो है वो मेडिटेशन रूम्स बने हुए हैं, सारे कमाने वाले थे वहाँ, उनकी रिहायशगाह भी बनी हुई है और आगे काफी सारा एरिया जो है वो रफ पड़ा हुआ है। अच्छा, जो उन्होंने कम्प्लेट जिस तरह नहीं कर सके, वो मेंटेन नहीं है, ये ग्रोथ है, वाइट ग्रेनेज ये बहुत ज्यादा हो रही है, वरना इसकी हदूद काफी दूर तक गई है। लेकिन जो स्पेसिफिक स्पेशल भी किया, ये 3 जुलाई तक जो काम हुआ, ये नहीं जाना, ये चीज़ अभी डाली है इधर आकर, 3 जुलाई बहुत ज़्यादा हुआ इसका, इजी ज़्यादा बहुत चाल कर सको, ये चैपल वगैरह तो वो पहनते नहीं जो लोग आते हैं। चलें जी, खुदा का शुक्र करते हैं जी हम अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी, जिनकी वजह से ये खूबसूरत जगह महफूज है। ये कौन सी जगह जी आप बताएंगे हम इनसे सुनेंगे? ये वो चैपल है जहाँ तोमर रसूल आकर बैठे हैं, ये बेसिकली एक महल है बादशाह का, उस वक्त का जो बादशाह था जिन्होंने ये जगह उनको डोनेट किया है, उनका नाम था गंदोफास ने ये जगह तोमा को डोनेट की थी। जी जी, फिर वो इधर बैठे हैं, उन्होंने आकर इसको बदल दिया, फिर मान से चैपल बना दिया, चर्च, उसने बादशाह के महल को चर्च बना दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि आप बुनियादी करें अपने मजहब, लोगों को बुलाएं, बताएं। और ये वो जगह थी, ये जहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह थी जहाँ पर लोग यीशु को कबूल करते थे और हिंदुइज्म से पारसीज्म से या सूरज के मानने वाले लोग थे वो अपने मजहब छोड़ते, जब तोमर रसूल उनको यहाँ पर लेकर आता था, जो बालिग लोग थे 17 साल 18 साल के लोग, इससे ऊपर के लोग थे जो यीशु को कबूल कर यहाँ पर लाकर उन्हें बपतिस्मे की रस्म की जाती ताकि नजात के मुकाशफे को यीशु के नाम से हासिल कर सके। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं उस जगह पर आ सकूँ जहाँ से मसीहत का बरसगिर में आगाज हुआ और मसीह यीशु के शागिर्दों में से तोमर रसूल बरसगिर में आए और मसीह यीशु की मुरादी को, उसकी खुशखबरी को लोगों तक पहुँचाया। आज इस जगह पर आकर मुझे जो इंस्पायरेशन मिली है वो ये है कि एक अकेला तोमा निकला सिर्फ यीशु का नाम लेकर और उसने पूरे बरसगिर को बदल कर रख दिया। वो अकेला आया, उसके साथ कोई और शख्स नहीं था जो उसको हेल्प कर सकता, लेकिन उस अकेले ने आकर इस पूरे बरसगिर में ना सिर्फ टेक्सला में, एक शहर में, एक तहसील में, एक ज़िले में, उसने पूरे बरसगिर में मसीह यीशु की खुशखबरी को पहुँचाया। और ये बात तब किया जब यीशु मसीह का आसमान को उठाए जाने के 40 साल बाद ही ट्रैवल टू टेक्सला और उसने कितने 37 साल यहाँ पर गुजारे और 37 सालों में उसने पूरी बरसगिर को, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सारे मुल्क जितने भी हैं, सब में मसीह की मनादी की। लेकिन आज 2021 में मसीही खादमीन के लिए, लीडरशिप के लिए और जितने भी क्रिश्चियन यहाँ पर लीडर्स हैं जो मसीह यीशु के एलची हैं, मसीह यीशु के पैरोकार हैं, यीशु की मनादी कर रहे हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि तोमर जैसे दिलेरी में आकर सूरज के देवता के मानने वालों के, पारसी लोगों में और जितने भी गैर मजहब लोग थे, उसने हिम्मत से आकर यीशु के पैगाम को काम किया, उसने प्रैक्टिकली मसीह यीशु की मनादी का काम किया। आज मसीही लीडरशिप को पाकिस्तान में, बिलखसूस जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं जो मसीह यीशु के काम को जारी सारी रख रहे हैं, उनको चाहिए कि हिम्मत दिलेरी से मसीह इरशाद आज़म को पूरा करें जिसमें लिखा है जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। दे हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर ड्राइंग रूम्स, उन्हें अपने ड्राइंग रूम से बाहर आना पड़ेगा और तोमर रसूल की तरह कंफर्ट जोन में नहीं बैठना बल्कि अपने ईमान को चैलेंज के साथ लेकर चलना है और मसीह यीशु के नाम को हर उस कान तक पहुँचाना है जो अभी तक कान यीशु का नाम नहीं सुन सके। मेरी आप सबसे गुजारिश है आप सब तोमर रसूल को देखें, उसकी ज़िंदगी को सीखें और यीशु के मनाते काम करें ताकि हम सब मिलकर जो रह गए हैं उन तक मसीह के नाम को पहुँचा सकें और लोगों को यीशु की दूसरी आमद सानी के लिए तैयार कर सकें। जय मसीह की।